हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्ल्ड वाइड डिमांडिंग कंटेंट लाया हूँ जो कि है कार्टून वीडियो। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, आप इस चैनल को देख सकते हो। इन्होंने सिर्फ 869 वीडियो को यहाँ पे अपलोड किया है और यहाँ पे आप इनके सब्सक्राइबर को देख सकते हो। 52.7 मिलियन सब्सक्राइबर है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और इनकी वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेटेस्ट वीडियो पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिलियंस में व्यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज है, जबकि लेटेस्ट वीडियो है ये सब, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिलियंस में व्यूज है। अब आपको इनकी पॉपुलर वीडियोस पे व्यू को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप इस वीडियो पे देख सकते हो 638 मिलियन व्यूज, यहाँ पे आप देख सकते हो 471 मिलियन, 445 मिलियन, इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे में 300-400 मिलियन व्यूज गया हुआ है। तो डिमांड कितना है इस कंटेंट का, ये तो आप लोगों ने देख लिया। बट यहाँ पे आप लोग अभी भी यही सोच रहे होंगे कि इस तरह की वीडियो को बनाना कैसे है, काफी हार्ड होगा इस तरह के कंटेंट को बनाना। तो मैं आपको बता दूं कि आराम से आप बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से। और कैसे बनाना और कैसे वीडियो को एडिट करना है कि आपके चैनल पे स्ट्राइक ना आए, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यहाँ से ये लोग इस तरह की वीडियो को बनाकर कितना अर्निंग कर रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं सोशल ब्लेड पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप इसी चैनल को देख सकते हो अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे देख सकते हो 52.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, 869 वीडियो अपलोड है और यहाँ पे आप इनकी अर्निंग को देख सकते हो। मिनिमम अर्निंग 51.4K डॉलर है और अगर मैक्सिमम अर्निंग की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 822.6K डॉलर है। तो मैं यहाँ पे इनकी मैक्सिमम अर्निंग को तो नहीं बल्कि यहाँ पे मिनिमम अर्निंग को ही इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया 51,000 × 82, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 44 लाख से ज्यादा बन रहा है। तो आपने देखा एक कार्टून वीडियो को बनाकर यहाँ से ये लोग 40 से 50 लाख रुपया मंथली का कमा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस कॉन्टेंट पे काम करोगे तो क्या आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपया नहीं कमा सकते हो? आराम से आप लोग भी कमा सकते हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी और अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे आप थोड़ी बहुत दिखा दोगे तो यहाँ पे आप काफी जल्दी ग्रो कर सकते हो और आप लोग भी यूट्यूब से एक अच्छी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। तो अब आपको इस तरह की वीडियो को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और सबसे पहले आपको यहाँ से एक स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? एक स्क्रीन रिकॉर्डर को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से प्ले स्टोर पे सर्च करना है किड्स राइम्स। जैसे ही आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐप आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करके बहुत सारी वीडियो को यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस गेम को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी गेम है यहाँ पे आप देख लोगे, आप अपने हिसाब से भी आप यहाँ पे देख लोगे क्योंकि कंटेंट तो आपको ही बनाना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ, बनाना तो खुद ही आप लोगों को पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग ऐप को डाउनलोड करके देखना है और जो भी ऐप आपको अच्छा लगे उससे आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो को बनाना है। कैसे बनाना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक ऐप अच्छी लगी है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डोमी किड्स बेबी सॉन्ग। तो मैं यहाँ पे इस ऐप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप इसके ग्राफिक्स को देख सकते हो इस गेम के कि कितना अच्छा है, एकदम 3D में यहाँ पे। तो मैंने इस गेम को डाउनलोड कर लिया है, आप लोगों को भी इस ऐप को डाउनलोड करके देखना है। और भी बहुत सारी ऐप मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया, उन सारी ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करके देखना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया कि इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों को वीडियो को बनाना है तो बस इसी ऐप से बनाना है, नहीं, आप लोगों को और भी बहुत सारी गेम को एक्सप्लोर करना है और उस पर आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को क्रिएट करना है। तो मैं इस ऐप को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन कर लेते हो, मैंने पहले ही इस ऐप को ओपन किया हुआ था इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो गया। तो आप देख सकते हो इस गेम की ग्राफिक्स को कि कितना अच्छा है। और यहाँ पे आप यहाँ पे किसी और ऐप का भी यूज कर सकते हो। तो मैं कैनवासर को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब की वीडियो के लिए 16:9 के रेशियो को सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अभी जो मैंने गेम खेल के वीडियो को रिकॉर्ड किया था यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो आ चुकी है। तो वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको उसको कट कर देना है, जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है वहीं से आपको वीडियो को रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से मेरी गेम स्टार्ट हो रही है। तो मैं इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद ट्रिम पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कट चुकी है वीडियो। अब आपको फिर से इस वीडियो पे क्लिक करना है, इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रोटेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको सीधा कर लेना है इस तरह से, ठीक है? इस तरह से रोटेट कर लेना है और बैक आ जाना है। अब आपको फिर से इस वीडियो पे क्लिक करना है, इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पैन एंड जूम, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से जूम कर लेना, ठीक है? एडजस्ट कर लेना सही तरह से और इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आपको इस वीडियो के साउंड को जीरो करना है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इस गेम के म्यूजिक को रखते हो या साउंड को रखते हो तो हो सकता है कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके म्यूजिक को ऑफ कर देना है, इसके साउंड को ऑफ कर देना है। इसके लिए आपको फिर से इस वीडियो पे क्लिक करना है, इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद मिक्सर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम को पूरा जीरो कर देना है, ठीक है? और बैक आ जाना है।
तो अब आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक म्यूजिक को लगाना है। तो फ्री म्यूजिक के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी आप म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो। तो जिस म्यूजिक का मैं इस वीडियो में यूज करूंगा वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं म्यूजिक को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूजिक आ चुकी है। तो म्यूजिक का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको इसको कट कर देना है। तो मैं इस म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद ट्रिम पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर से इस म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आपको मिक्सर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसके रेशियो को आपको 20 या 30 पे आपको कर लेना है। उससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो यहाँ पे म्यूजिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 30 पे कर लिया और बैक आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हो कि गेम का लोगो आ रहा है, तो इसको आपको हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो या यूट्यूब के लोगो को भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यूट्यूब के लोगो को लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब का PNG आ चुका है। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करके मैं इसको पूरे वीडियो में यहाँ तक ले जाता हूँ। इस तरह से आपको भी अपनी वीडियो में यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे वीडियो तो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना और स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये मेहनत तो आप लोगों को करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। तो यहाँ पे अब मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वीडियो को अच्छी से अच्छी क्वालिटी में सेव कर लेना है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो। थैंक यू।